हाय एवरीवन, वेलकम टू सुजास किचन। आज हम तीन अलग अलग टाइप के हेल्दी सूप बनाने वाले हैं, लेमन कोरिएंडर सूप, हॉट एंड सोर सूप और स्वीट कॉर्न सूप। बारिश और सर्दियों के मौसम में सूप को ज़्यादा बनाया जाता है। ये बहुत ही हेल्दी एंड क्विक रेसिपी है। पहले हम बनाएंगे लेमन कोरिएंडर सूप। ये विटामिन सी से भरपूर है। अब शुरू करेंगे इसे बनाने। हम इसे 5 मिनट में बना सकते हैं। पहले हम एक पैन को गर्म के लिए रखेंगे। इसमें डालें 2 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म होते ही इसमें हम डालने वाले हैं 1 छोटी चम्मच बारीक कट किया हुआ अदरक और लहसुन, 1 हरी मिर्च, 1 प्याज, 3 बड़े चम्मच पत्ता गोभी, 3 बड़े चम्मच गाजर और 1 कप कोथमीर और आधा नींबू लिए हैं। पहले हम डालेंगे बारीक कट किया हुआ लहसुन 1 छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच अदरक, 1 हरी मिर्च। थोड़ा सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करें, फिर इसमें डालें 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कट किए हुए, इसको भी फ्राई करें। ये सारे सब्जियों को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है। फिर इसमें डालेंगे बारीक कट किया हुआ गाजर, और पत्ता गोभी डाले, एक दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसमें आप बीन्स और स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। इस सारे सब्जियों को हल्का सा खुशबू आने तक फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी, लगभग 750 ml। और स्वाद अनुसार नमक डालें। अभी उबालने के लिए रखें 3-4 मिनट के लिए। जब उबालना शुरू होती है तब डालेंगे कॉर्न फ्लोर स्लरी। इसे बनाने के लिए 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिए हैं। इसमें डालें 1/2 कप पानी, अच्छे से मिक्स करें। अभी उबालते हुए सूप में डाल दें। इसे थोड़ा सा हमारा सूप गाढ़ा बनेगा। अच्छे से मिक्स करें। जब उबालना शुरू होती है तब डालें 1/4 टीस्पून पेपर पाउडर और 1/2 नींबू की रस। अभी बारीक कट किया हुआ 1 कप हरे धनिया को डाल दें। अच्छे से मिक्स करें और 1 मिनट के लिए उबालने दें। अब रेडी हो गया हमारा लेमन कोरिएंडर सूप। इसको गर्मा गर्म सर्व करें एक सूप बोल में डाल के। आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। ये बहुत टेस्ट अच्छी बनती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हेल्दी वेट लॉस रेसिपी भी है। अभी हम नेक्स्ट बनाएंगे स्वीट कॉर्न सूप। इसके लिए हम पहले एक छोटी सी मिक्सर जार में 1/2 कप स्वीट कॉर्न डालें, 1/4 कप पानी डाल दें और स्मूथ पेस्ट करेंगे। ये तैयार हुआ पेस्ट को एक बाउल में डाल के साइड में रखें। एक पैन को गरम के लिए रखें। 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम होते ही इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच बारीक कट किया हुआ लहसुन और अदरक,
थोड़ा सा फ्राई करें। अब इसमें डालेंगे हरे मिर्च, एक छोटा सा हरे मिर्च लिए हैं हमारे कट किए हुए। हल्का सा फ्राई करें, फिर बाद में इसमें डालेंगे एक प्याज को बारीक कट किया हुआ। अगर आपके पास हरे प्याज है तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब इसमें डालिए शिमला मिर्च 1-2 टीस्पून और गाजर बारीक कट किए हुए 1/4 कप और कॉर्न डाले 1/4 कप। अच्छे से मिक्स करें और हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी हम डालेंगे कॉर्न को पेस्ट करके रखे हुए थे, अच्छे से मिक्स करें। ऐसे ही 2 मिनट तक पकने दें। अब इसमें डालेंगे 4 कप पानी यानी 750 ml। अच्छे से मिक्स करें। 5 मिनट के लिए उबालने दें। जब उबालना शुरू होती है इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिए हैं, इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। अच्छे से मिक्स करें और उबालते हुए सूप में डाल दें। अच्छे से मिक्स करें और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें और स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स करें और उबालने दें और 1/4 चम्मच नींबू का रस या विनेगर डालेंगे। अभी हमारा स्वीट कॉर्न सूप तैयार हुआ है। अभी गैस फ्लेम बंद कीजिए। हमारा स्वीट कॉर्न सूप गर्मा गर्म रेडी हो गई है। इसको सर्व करेंगे सूप बॉल में डाल के। आप ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत अच्छी बनती है ये सूप। अभी हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं हॉट एंड सोर सूप। बहुत सारा सब्जियों से बनाया जाता है ये सूप को। पहले एक पैन को गर्म के लिए रखें, इसमें डालें 2 टेबल स्पून तेल। तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच लहसुन, 1/4 चम्मच अदरक बारीक कट किए हुए, 1 हरे मिर्च। हल्का सा फ्राई करें, फिर इसमें डालेंगे बारीक कट किया हुआ प्याज को। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है सूप के लिए। अब इसमें डालेंगे बारीक कट किया हुआ 1 कप गाजर, 1 कप पत्ता गोभी, शिमला मिर्च 1/4 कप। अच्छे से मिक्स करें 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें बीन्स और मटर भी डाल सकते हैं। अभी सब्जियाँ फ्राई हो चुकी है थोड़ा। इसमें डालेंगे 4 कप पानी लगभग 750 ml का। अच्छे से मिक्स करें और उबालने दें 3 से 5 मिनट तक। जब उबालना शुरू होती है तब डालें 2 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस, 2 छोटी चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच विनेगर डाल दें
अच्छे से मिक्स करें। जब अच्छे से उबालना शुरू होती है तब डालेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी। इसके लिए 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए हैं, 1/2 कप पानी में मिक्स करें और इसको उबालते हुए सूप में डाल दें। और अच्छे से मिक्स करें, इससे सूप थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा। और 2 मिनट के लिए उबालने दें। इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच शक्कर और स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स करें। देखिए कितना अच्छी बनी है हमारा हॉट एंड सोर सूप। इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे एक बाउल में डाल के। आप ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मेरा चैनल पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मेरा आगे आने वाला रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।